No. So, hey and what's up guys, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल अनबॉक्सिंग एवरी थिंग्स में। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे बोट के इमॉर्टल सीरीज का, जिसका मॉडल उनका मॉडल है IM200। अगर आप लोग की आवाज़ थोड़ी मेरी डिफरेंट लग रही हो तो हाँ, थोड़ी तबीयत सही नहीं है इसलिए हो सकता है आवाज़ आपको सही ना लगे, लेकिन फिर भी आज मैं अनबॉक्स करूँगा क्योंकि न्यू प्रोडक्ट है भाई, तो आप लोग को अनबॉक्सिंग तो देना है। तो चलिए सबसे पहले हम अनबॉक्स करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा अमेज़ॉन से परचेज़ किया मैंने इसको, आप लोगों को रैपर देख के पता चल ही गया होगा। तो चलिए सबसे पहले इधर से हम कट कर लेते हैं, तो सबसे पहले मैं कट कर लेता हूँ। पैकिंग की बात करें तो मैंने इसे फिलहाल प्राइम आईडी से परचेज नहीं किया था, और आ चुका है हमारा बहुत ही प्यारा सा बॉक्स, जो कि अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा बड़ा बॉक्स दिया गया है। और मैंने बहुत सारे बोट के प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग की है, जैसे हेडसेट, तो इतने बड़े बॉक्स किसी में नहीं मिले, और वो भी भाई 1500 में बहुत ज़्यादा बड़ा बॉक्स मिल गया। वो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, बोट भाई पैसे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है मतलब अपने पैकिंग पे। सील कट करने से पहले हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिकेशन की, जो ऊपर में हाईलाइटेड दिए हुए हैं मेंशन। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल IM200, जो सीरीज़ की मैंने बात की थी, और ये गेमिंग सीरीज़ पूरा लॉन्च किया है उन्होंने, और ये मेनली डेस्कटॉप के लिए ही लॉन्च किया उन्होंने। और यहाँ पे आपको मिल जाता है 7.1 का चैनल वर्चुअल सराउंड ऑडियो, जो कि बहुत ही प्यारा है, और इसमें बताया गया जो साउंडिंग मतलब गेमिंग अगर आप करते हो तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। और RGB में दिया गया है, यहाँ पे कुछ कुछ कलरिंग के बारे में बताया गया, रेड ग्रीन और ब्लू, मतलब कि ब्रेथिंग LED लाइट्स इसमें लगे हुए हैं, जो कि आप RGB जलते बुझते रहेंगे ऐसे टाइप। उसके बाद ENX टेक्नोलॉजी विथ ड्राइवर यूज किया गया, जो कॉलिंग के दौरान और माइक अगर आप यूज करते हो तो बहुत ही अच्छा सा साउंड आएगा। आप गेम खेलते हो तो आप अपने प्लेयर से इंटरेक्ट बहुत आसानी से हो पाओगे। तो सब बातों को रखते हैं साइड, पहले बैक देखते हैं। तो भाई सबसे बड़ी बात 50mm की ड्राइवर यूज की गई है, जो इस प्राइस रेंज पे ड्राइवर्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। स्मूथ एंड ऑडियो माइक मिलता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। एक्स्ट्रा सॉफ्ट कुशंस मिलते हैं जो, और अगर ईयर कप्स की बात करें तो वो भी हम अंदर टेस्ट करेंगे कैसा क्या है, क्योंकि अभी तक भाई मैंने बहुत ज्यादा अनबॉक्सिंग कर चुका हूं और बोट के प्रोडक्ट की, तो देखते हैं क्या कैसा रहता है। लाइट वेट भी है, सब कुछ बताया गया, तो बहुत कुछ तो उन्होंने बता दिया। तो चलिए सबसे पहले हम इसको कट करते हैं, देखते हैं कैसा क्या प्रोडक्ट है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो प्यारा सा कट एक राइट से दे देते हैं और एक लेफ्ट से दे देते हैं, दोनों साइड से कट दे देते हैं। और चलिए धीरे से ओपन करते हैं, और भाई बहुत ही प्यारा सा हमारा बोट का प्रोडक्ट निकल के आ चुका है। आप बोल सकते हो बहुत ही प्यारा सा पैकिंग दिया उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो बोट पैकिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो वैसे ही आपको एक स्टैंड पैकिंग मिल जाती है इसके साथ, जिसमें ये पूरा स्टैंड होके आता है। तो सबसे पहले हम पैकिंग को रखते हैं साइड में, और वैसे आपको पैकिंग के साइड में और कुछ आपको बॉक्स में कंटेंट नहीं मिलेगा, इसी में है साइज जो है सो। और मुझे लगता है आपको इसके जो केबल्स हैं वो मिलेंगे सबसे पहले, तो केबल्स को हम कर लेते हैं साइड। इसके साथ आपको कुछ पुस्तकें मिल जाती हैं, जिसको आप देख के कैसे क्या कनेक्ट करना है सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, और ये आपका वारंटी कार्ड मिल जाता है 1 साल का। तो अब हम बात करेंगे अपने हेडसेट पे, जो कैसा है हमारा हेडसेट। तो ओवरऑल सबसे पहले हम लुक की बात करते हैं, अपर लुक की। सबसे पहले आपको बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि भाई बहुत ही प्यारा सा ब्रांडिंग दिया गया है। प्लस मुझे एक बात ये अच्छी लगी इसकी, जो आपका नेक बैंड जो है वो इसमें बैंडिंग यूज़ किया गया है। आप साइड से देखो तो दोनों साइड से स्ट्रेचेबल बैंडिंग यूज़ की गई है, जो अगर आपका फिटिंग जो है फिटिंग के मामले में ये कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा बोट इस बार, गेमिंग के लिए स्पेशली ये बना हुआ। तो ऑन ईयर हेडसेट है ये, पूरा आपके पूरे कान को स्पेस को पूरे ऑक्यूपाइड कर लेगा, और गेमिंग के लिए यही सबसे मेन होता है। और अगर आप इसको अगर आप हैंड में फील करोगे तो आपको लगेगा जो हाँ भाई मैंने कुछ कॉस्टली हेडसेट पकड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप RGB को जब आप ऑन करते हो, वीडियोज में भी देखा था जब बोट भाई एड दिखा रहा था, तो बहुत ही प्यारा लगता है, वो भी हम टेस्ट करेंगे। पर सबसे पहले मैं बता दूं आपको, तो आपको सबसे पहले इसके मेटेलिक में यूज़ किया गया है आपको एल्यूमिनियम का कुछ पतला सा वायर, जो कि आप हेड के पास लगा रहेगा दो सपोर्टिंग के लिए। और बात करें अगर ड्यूरेबिलिटी की, तो आपको पता हमारे चैनल पे भाई कुछ अनबॉक्सिंग हो और ड्यूरेबिलिटी टेस्ट ना हो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हम पूरी टेस्टिंग करेंगे हेडसेट की भाई कितना क्या है, क्योंकि भाई गेमिंग कोई कर रहा है तो वो रखेगा भाई सिंपल सा ऐसे, बट हम लोग तो भाई पूरा टेस्ट करेंगे ना जो कैसा क्या प्रोडक्ट मिलता है। ऊपर से बोट में तो भाई मैं पहले से मुझे पता है बोट की प्रोडक्ट अच्छी होती है, इसलिए ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी ये प्रोडक्ट बहुत सही है। अगर आप परचेस करते हो रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन, तो आपको थोड़ा सा ऑरेंज फेडेड बोल सकते हो या रेड फेडेड बोल सकते हो आपको कलर मिलता है, जो कि आपको ब्लैक पे मिलता है, बहुत ही प्यारा सा कलर कॉम्बिनेशन निकल के आता है, जो कि दिखने में प्यारा लगता है। अगर आप ऊपर से बात करो तो ऊपर से आपको पूरा रेड मिल जाता है, अंदर से पूरा बोट ब्लैक मिल जाता है। जब आप ऊपर से पहनते हो हेड पे तो ये पूरा ऐसे चिपक जाएगा। और फिटिंग की बात करो तो ये बात बोलनी पड़ेगी, गेमर्स के लिए फिटिंग बहुत ही ज्यादा उन्होंने ध्यान में रखा है, क्योंकि इस पे जो लेयरिंग है वो डायरेक्ट साइड हो जाता है, आपके हेड के हिसाब से ये फिक्स हो जाएगा, और कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी फिटिंग के मामले में। उसके बाद हम आते हैं अपने कुशंस पे, जो ईयर कप कुशंस बोल सकते हो, और बहुत ही बड़े कुशंस हैं, क्योंकि स्पेस आप देख सकते हो, स्पेसिंग बहुत ज्यादा दी गई है।
और कुशन की क्वालिटी की बात करो, बहुत स्लाइटली सॉफ्ट है, लेकिन इतना नहीं बोल सकते भाई जैसा बॉक्स पे लिखा हुआ था बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट नहीं है। हाँ ENC इसमें नहीं है, लेकिन आपको हाँ सराउंडिंग की जो मैक्सिमम नॉइज है वो आपको कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े ईयर कप्स हैं तो आपके जो ईयर्स हैं वो पूरे ब्लॉक हो जाएंगे, तो आपके सराउंडिंग के साउंड स्लाइटली कम हो जाएगी। उसके बाद आपको बड़ी बात ये है, जो आपको जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था बहुत सारे हेडसेट में, जो आपको वायर वाले हेडसेट ही असली गेमिंग एक्सपीरियंस दे पाते हैं, तो जैसा कि आपको इसमें RGB का सपोर्ट मिलता है, इससे फोन गेमिंग भी कर सकते हो, बट बेस्ट होगा जो आप PC गेमिंग करो, क्योंकि ये PC गेमिंग के लिए ही मेनली बना हुआ है। आप OTG के थ्रू फोन में भी खेल सकते हो, बट ऐसा मुझे नहीं लगता मजा आएगा, क्योंकि असली जो एक्सपीरियंस मिलेगा आपको वो PC में मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और आगे वीडियो में टेस्ट करके कैसा क्या गेमिंग है इसका। उसके बाद हम बात करें इसके वायर की क्वालिटी की, तो वायर की क्वालिटी भाई बहुत ही तगड़ी दी है उन्होंने, क्योंकि अगर एक गेमिंग हेडसेट की बात करें तो वायर बहुत ज़्यादा मायने रखता है एक हेडसेट के लिए, और इसमें आपको वायर बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिया गया है जैसा कि मैंने यूज़ करके भी देखा, और भाई मतलब मैं ऐसे खींच भी रहा हूँ तो भाई सही क्वालिटी यूज़ किया गया बोर्ड के द्वारा। और जैसा कि मैं इसको देखता हूँ, अगर आपके घर में भाई रैट वैट है, आप देख सकते हो इस पर पूरा मटेरियल जो है वो यूज़ किया गया वायरिंग वाला, बट हाँ इतने मतलब अगर कट भी करते हो कहीं से भी तो ये थोड़ा थोड़ा तो निकलेगा, अगर आपके घर में चूहे हैं तो भाई उससे थोड़ा बचा के रखना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं हम बटन्स की, तो आपको एक सिंपल सा बटन मिल जाएगा जो स्क्रॉलिंग वाला जैसा मिलता है, वहीं से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। आपको RGB कंट्रोलिंग के लिए कोई भी बटन्स नहीं मिलते हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा अफसोस लगा, क्योंकि आपको RGB कंट्रोल के लिए भी भाई कोई बटन देना चाहिए था, बट हाँ प्राइस को देखते हुए ये सब भी हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि भाई ज़्यादा तो हमें पे करना नहीं पड़ रहा, 1500 ही पे करना पड़ रहा है, और कोई भी गेमिंग हेडसेट के लिए 1500 कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं रखता, जो गेमर्स होंगे उनको पता होगा ये बात, क्योंकि गेमिंग हेडसेट बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। और इस हेडसेट में आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलेंगे, जो तो वो एडिशनल फीचर आप खुद से कर सकते हो, मुझे बताने की काम नहीं है, क्योंकि उसमें आप मैक्स वॉल्यूम को ज़्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो, उसका म्यूट कर सकते हो, माइक म्यूट कर सकते हो, ये सब फीचर है, तो कोई नॉर्मल सा फीचर है, कोई बड़ा हाईलाइटेड फीचर नहीं है, ऐसा नहीं है जो आप RGB की कलरिंग कंट्रोल कर सकते हो, ये सब उसमें आपको नहीं मिलता है, सिंपल से फीचर्स है जो कि आप कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसके फीचर्स की, जो कैसे क्या यूज़ किए गए, क्या सॉन्ग भी अच्छे प्ले होते हैं। तो सॉन्ग टेस्टिंग से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आपके 50mm के ड्राइवर्स यूज़ किए गए, जो कि बहुत सही है इस प्राइस रेंज पे। उसके बाद आपको डिज़ाइन तो भाई बिल्कुल सही, जैसा कि डिज़ाइन मैंने आपको बताया, डिज़ाइन बहुत ही सही है इसका, और कंफर्ट प्राइस को देखते हुए कंफर्ट लेवल भी बहुत सही है। मैं इसे यूज़ करता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा जो दूसरे वीडियो में रिव्यू वाले में, जो मैक्सिमम टाइम मतलब कितने देर तक आप इसको पहन के खेल सकते हो, 10 आवर 12 घंटे, क्योंकि भाई मैं भी एक गेमर हूँ तो मुझे पता है कि गेमर्स बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं, कम से कम भाई 4 आवर 5 आवर तो भाई खेलते ही हैं, तो इसलिए मैं आपको उस वीडियो में ही बता दूंगा जिसमें मैं इसकी गेमिंग टेस्ट करूंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कितने देर आप लगातार इसको पहन के खेल सकते हो। उसके बाद अगर हेडबैंड की क्वालिटी की बात करें तो ये भी बिल्कुल सही है, और गेमर्स के लिए ही स्पेशली मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे कुशन का भी यूज़ किया गया जो कि प्यारा सा है और बहुत ही सॉफ्ट बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हाँ सही है। उसके बाद अगर बात करें तो मुझे इसमें एक माइक जो लगी वो थोड़ी सी मुझे डिसएडवांटेज लगी इसकी, ये डिटैचेबल माइक आपको नहीं मिलता है इसमें, आपको डिटैचेबल माइक का सपोर्ट नहीं मिलता है इसमें, जो आप माइक को खोल के अलग से रख नहीं सकते हो, क्योंकि माइक अगर आप यूज़ नहीं भी कर रहे तो भाई आपके मुंह के पास ही आएगा। उसके बाद बात करते हैं वायर पे, तो ये भी मुझे सही नहीं लगा, जो आपको डिटैचेबल वायर नहीं मिलता है, भाई ब्लूटूथ नहीं है कोई बात नहीं, बट डिटैचेबल वायर तो मिलना चाहिए था, कम से कम खोल के भाई इसको अलग कर लेते, लेकिन ये भी नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, गेमर्स के लिए है तो भाई सब सेक्रीफाइस कर देंगे, बट खाली साउंड अच्छा आना चाहिए, फुटस्टेप क्लियर आने चाहिए, गेमिंग सही होनी चाहिए। तो जैसा कि सबसे बड़ी उन्होंने क्लिकबेट खेली है, जो कि मुझे देख के बहुत ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हंसी भी आई, बॉक्स पे उन्होंने मेंशन किया था जैसा पिक, और जैसा पिक उन्होंने साइट पे मेंशन किया हुआ था मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उन्होंने साइट पे जो पिक मेंशन की थी उसमें आप देख सकते हो कहीं से भी ये ग्रिल का जिक्र नहीं था, जैसा कि ग्रिल उन्होंने इसमें दिया है, इसमें एक ग्रिल मिलता है आपको एलुमिनियम की, और ऑटो पे भाई कहीं पे भी ग्रिल पे का जिक्र ही नहीं है, कहीं पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और मैंने वेबसाइट भी चेक किया था, स्पेशली मैंने मैसेज भी किया था बोर्ड को जो भाई आपने तो ग्रिल शो को ही नहीं किया था, बट आपके जो प्रोडक्ट है उसमें तो ग्रिल यहाँ पे दिख रहा है, एक तरह से उन्होंने बहुत बड़ी क्लिकबेट खेली थी। भाई सब जगह आजकल क्लिकबेट ही खेला जा रहा है, हो सकता है लोगों को पसंद भी ना आए, बहुत लोग हैं जो बोल रहे होंगे भाई इसमें ग्रिल यूज़ किया गया, फोटो में तो ग्रिल नहीं, इसलिए मैंने पहले उनको बता दिया भाई इसमें ग्रिल है। तो चलिए सबसे पहले हम RGB की कलरिंग की भी टेस्ट करेंगे, इसके साउंड की भी टेस्ट करेंगे, तो हम सबसे पहले इसमें म्यूजिक प्ले करके देखेंगे कि साउंड भाई म्यूजिक में कैसी आती है, क्योंकि इन गेमर्स की बात करें तो क्या वो भी परचेज कर सकते हैं इसे, अभी के टाइम पे तो वायर जल्दी कोई परचेज नहीं करता, फिर भी हम इसको टेस्ट करेंगे।
आप लोगों को म्यूजिक टेस्ट दिया ही मैंने, तो आप लोग बता सकते हो कैसा था आपका म्यूजिक टेस्ट, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, आप लोग कमेंट में बता सकते हो। बट मेरे हिसाब से ये 50 mm ड्राइवर्स के इतने सही साउंड तो नहीं थे, क्योंकि 50 mm के ड्राइवर के भाई साउंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं ये गेमिंग के लिए है, स्पेशली सॉन्ग के लिए नहीं है। तो अगर आप सॉन्ग के लिए परचेस करते हो तो आप दूसरे जा सकते हो, 650 तरफ जा सकते हो, वो बहुत ज्यादा साउंड के लिए बना हुआ हेडसेट है। और आपको आई बटन पर मैंने बताया लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। उसका अनबॉक्सिंग और गेमिंग टेस्ट भी किया है मैंने, तो आप उसका गेमिंग टेस्ट भी देख सकते हो। तो चलिए अब हम इसका गेमिंग टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा क्या गेमिंग। तो भाई आप लोगों को गेमिंग कैसा लगा, क्योंकि गेमिंग तो हो चुका है और मैं आपको बता रहा हूँ भाई गेमिंग खेल के बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आया इस हेडसेट पे। और मैं एक चीज़ मैंने नोटिस किया भाई, RGB की जो कलरिंग थी, मतलब बहुत ज़्यादा कलरिंग तो नहीं थी भाई, लेकिन बिल्कुल भाई OP कलरिंग थी। मैंने देखी जब मैंने मिरर में भी देखा इसके कलरिंग को, RGB की कलरिंग को, तो भाई बहुत सही लग रहा था। और जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो उसके बाद मैंने वीडियो देखी तो भाई बहुत ज़्यादा सही आ रहा था वीडियो। और गेमिंग की बात करें तो मुझे नहीं लगता 1500 के रेंज में कोई दूसरा हेडसेट आपको इतना अच्छा प्रोवाइड कराता है गेमिंग में। भाई ऐसा नहीं है वोट की तरफ से स्पॉन्सर्ड वीडियो, क्योंकि भाई छोटा चैनल है, स्पॉन्सर नहीं करते हैं उतने बड़े बड़े कंपनी। तो भाई खुद के पैसे से लगा के बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ। तो अगर आप गेमिंग कर रहे हो लैपटॉप पे या कुछ भी, अगर आप एक यूट्यूबर हो या स्ट्रीमर हो, तो आप इसको परचेस करो, क्योंकि आपको 1500 में ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने बहुत सारे हेडसेट यूज़ किए हुए। अगर आप दूसरे हेडसेट यूज़ भी करते हो तो ऐसा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलने वाला। और मैं स्पेशली फॉर यूट्यूबर जो बिगनर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं भाई वो 10,000-12,000 के हेडसेट से खेलते हैं। तो आपके पास अगर कम पैसे, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो गेमिंग चैनल, तो ये हेडसेट आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होगा। तो गाइज अब बात करते हैं कि मैंने इसे कितने में परचेज किया। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में बताया था, जो मैंने प्राइम ID से परचेज नहीं किया था इसको, क्योंकि मेरे पास मेरे जो दोस्त के ID था उसमें पहले से ही 200 rupees था, मतलब कैशबैक वाला वाउचर था, तो मैंने उसी से परचेस कर लिया। और ये हेडसेट मुझे बस 1300 में ही मैंने इसे परचेस किया है, जो कि बहुत ही सूटेबल प्राइस पे मैंने इसे परचेस किया है। अगर आपको भी कम प्राइस में परचेस करना है मेरी तरह, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, क्योंकि प्राइम डे सेल आ रहा है अमेजोन का, जिसमें बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पे सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो मुझे लगता है इस हेडसेट पे भी कुछ ऑफर चलेंगे, जैसे कि वो लोग गिफ्ट वाउचर या UPI ट्रांजेक्शन पे कुछ कुछ पैसे देते हैं कैशबैक, ऐसा कुछ ऑफर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके कम प्राइस में इसको परचेस कर सकते हो। कैसी लगी आपको हमारी ये अनबॉक्सिंग वीडियो, वो जरूर बताइएगा कमेंट में। और ये हेडसेट आपको कैसा लगा, आपके मन से रिव्यू देकर जरूर बताइएगा, जो हाँ भाई ये हेडसेट सही है नहीं है, आप लोग जरूर बताइएगा हमें कमेंट में। और आप लोग कमेंट में ये भी बता सकते हैं जो हम नेक्स्ट अनबॉक्सिंग क्या चीज़ के बारे में लाएं, या कौन सी अनबॉक्सिंग हम नेक्स्ट लाएं। अगर आपने हमारी इस हेडसेट की सिनेमैटिक वीडियो नहीं देखी, तो आप लोग जाके शॉर्ट्स वाले सेक्शन में देख सकते हो इस हेडसेट की सिनेमैटिक वीडियो जो कि